हेलो, कैसे हो बच्चों? तो आज हम जैसा पिछली क्लास में वादा किए थे कि आज इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहली तीन वीडियो आपने देख लिया होगा, अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर नहीं समझे हैं तो उसे पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर इस वीडियो को देखें। ये वीडियो चौथा है, ठीक है? नंबर सिस्टम का ये चौथा वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहले के तीन वीडियो अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। सो वेलकम इन अरविंद सिंह एकेडमी अगेन। वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर सिस्टम एंड दिस इज द वीडियो नंबर एंड लेट अस कंसीडर व्हाट इज इरेशनल। रैशनल नंबर जब आपने पढ़ा तो क्या पढ़ा? पहले रैशनल नंबर की बात करते हैं, तब हम इरेशनल की बात करते हैं। यहां पर हम रैशनल की बात कर लेते हैं। रैशनल नंबर जो था वो क्या था? ये नंबर विच इज इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं। ए नंबर विच इज इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ए नंबर विच इज इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू विच कैन बी रिप्रेजेंट, कैन बी रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। ये डेफिनेशन आपने सीखा है ना, इंटीजर्स। तो ये डेफिनेशन आपने सीखा है, इंटीजर कोई भी होगा, ये डिवाइड करने पर कभी ना कभी ये खत्म हो जाएगा। यानी जैसे कोई भी एक रैशनल नंबर लिया, मान लो कि हमने लिया 1/2, एक रैशनल नंबर है, तो 1/2 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 होगा। 5 के बाद कोई और डिजिट नहीं आएगा। आप डेसिमल के बाद चाहे जितनी मर्जी जीरो लिख लें बट उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। तो 1 को हमने 2 से डिवाइड किया, चूंकि 1 छोटा है डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ डेसिमल रख दिया और डेसिमल रखने के बाद यहाँ एक जीरो आ गया, तो 5 टाइम्स डिवाइड हो गया और ये आ गया 10। तो ये 0.5 कह सकते हैं। वैसे ही अगर कई बार ये खत्म हो जाता है, कई बार खत्म नहीं होता। जैसे अगर मैं मान लो कि 1/3 को डिवाइड करूं, 1/3 को, तो ये क्या होगा? ये होगा 0.3333, आता ही रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। 3 से डिवाइड करोगे नहीं डिवाइड होगा, तो यहाँ डेसिमल आ गए तो यहाँ जीरो आ गया। 3 टाइम्स 9, फिर आ गया 1, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3। मतलब ये कभी खत्म नहीं होगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन ये नंबर, ये डिवीजन कभी खत्म नहीं होगा। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा खत्म ही हो जाए, लेकिन एक रिपीटेशन होगी, रिपीटेशन होगी। यहां पर इसको हम कहेंगे कि ये टर्मिनेट हो गया, ये टर्मिनेटन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, ये है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग, ठीक है। और ये टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है, तो रिपीटिंग हो रही है, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। तो रैशनल नंबर की दो प्रॉपर्टीज होती है कि या तो टर्मिनेट हो जाए, या अगर टर्मिनेट ना हो तो एक पैटर्न मिले, एक रिपीटेशन मिले, तो हम उसे रैशनल नंबर कहेंगे। इरेशनल नंबर क्या होता है? ये ऐसा नंबर होता है जिसमें न तो ये खत्म होता है, टर्मिनेट होता है, न इसका रिपीटेशन होती है, तो उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। तो डेफिनेशन होगी, ए नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग इन फॉर्म ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड नॉर्मल, एंड नंबर विच इज नॉट टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो
इरेशनल नंबर बेसिकली होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है, जो कभी टर्मिनेट भी ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी ना हो। रैशनल नंबर रिपीट भी होता है, या अगर रिपीट नहीं होता तो टर्मिनेट हो जाता है। यहां पर भी अगर हम जीरो जीरो लिखें तो ये कोई भी आप रैशनल नंबर लें तो उसमें ये टर्मिनेट होगा या रिपीट होगा। जैसे 4/5 आप कहें तो ये क्या हो जाएगा, ये 0.8 हो जाएगा, है ना। अगर 2/5 कहोगे तो वो भी हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो या तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग टाइप, और अगर टर्मिनेट नहीं होता है तो रिपीट होता है। तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये जैसे कौन सा नंबर हो सकता है, √2, एग्जाम्पल √2 इज ए इरेशनल नंबर, √3 एंड √5, √7, √5, ठीक है ना, पाई, इस तरह के नंबर एटसेट्रा आर, ये सब इरेशनल नंबर्स। क्यों, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ये रैशनल नहीं है, रैशनल नहीं है, आर नॉट रैशनल, नॉट रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स नहीं है। तो जो रैशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है, हेंस दे आर इरेशनल नंबर, इरेशनल, जो रैशनल नहीं है वो है इरेशनल नंबर, लेकिन उसे रियल नंबर होना चाहिए, तो ये इरेशनल नंबर है। क्यों, अगर आप इसे √2 को डिवाइड करोगे तो √2 का वैल्यू निकालोगे आप तो ये आएगा √2 की वैल्यू 1.414, ठीक है, फिर उसके बाद 1 नहीं आता। कैसे नहीं आता, डिवीजन तो आपको आता होगा √2 की वैल्यू निकालने के लिए, तो हमने ये कहा √2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो ये आएगा 1.414213,56। ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा, ऐसा कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा, जैसे यहाँ 3333 रिपीट हो रहा था, या कोई नंबर और भी होता है जो रिपीट होता है, एक पैटर्न होती है, यहाँ कोई पैटर्न नहीं है। हम यूजुअली याद रखते हैं √2 की वैल्यू 1.414, इतने प्लेस तक हम याद रख लेते हैं। इसी तरह से √3 की वैल्यू 1.732, इतना याद रख लेते हैं, लेकिन आगे भी इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा। √5 की वैल्यू 2.236 और रूट या 2.23 और पाई की वैल्यू 3.14 आप याद रखते हैं, ये भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा। तो ये सब क्या है, दीज आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये सब जो नंबर है ये न तो टर्मिनेट हो रहे हैं न रिपीट हो रहे हैं। इसी तरीके से और भी नंबर हो सकते हैं, जैसे कि 1.10, फिर 110, फिर 1111, फिर 410, ऐसा कोई नंबर हो जाए, तो ये भी क्या है, ये कोई पैटर्न नहीं बन रहा। पहले एक के बाद जीरो है, फिर 2 1 के बाद जीरो है, फिर 3 1 के बाद जीरो है, फिर 4 1 के बाद जीरो है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अगला ये मत समझो कि 5 1 के बाद जीरो आएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। तो ऐसा कोई नंबर हो जिसमें कोई फिक्स पैटर्न ना हो और ये टर्मिनेट भी ना हो रहा हो तो उसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब समझ में आ गया, जो टर्मिनेट ना हो, जो रिपीट ना हो। अब आप सोचोगे कि अच्छा तो ऐसा अगर है तो हम √4 को क्या कह सकते, जो नंबर होते हैं वो इरेशनल होते हैं, नहीं, ये रैशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 2 होती है। अगर ये -√4 लिखा होता तो इसकी वैल्यू -2 होती, क्योंकि 4 का स्क्वायर √2, इसके पहले निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन लिखेंगे। और कोई पूछे कि 4 का स्क्वायर √ क्या होगा, ऐसे सिंपली तब दोनों आंसर हो गए, व्हाट इज द स्क्वायर √ ऑफ 4, व्हाट इज स्क्वायर √ ऑफ 4, तब हम कहेंगे कि आंसर इज √4 इज ±2, दोनों आंसर हो गए। अब ऐसे लिखा है इसका मतलब आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ऐसे लिखा है इसका मतलब सिर्फ निगेटिव वैल्यू लिखा है लेना है, और अगर ये पूछा जाए कि √4 क्या होगा तो आंसर इज ±2। क्यों, 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 4, -2 को भी -2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 4। स्क्वायर रूट ऑफ नंबर इज ए नंबर
व्हिच मल्टीप्लाई इटसेल्फ गिव द ओरिजिनल नंबर, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो -2 को -2 से मल्टीप्लाई इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर, तो 4 आ गया। इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे प्लस माइनस 2। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा? प्लस माइनस 3। स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा? प्लस माइनस। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 हियर ओनली, बट स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज प्लस माइनस 3। स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज प्लस माइनस 4। लेकिन यहाँ हम 4 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखना है। ये लीनियर फॉर्म, अगर ये लिखा होता कि स्क्वायर रूट ऑफ आपको 9 बताना है तो आप बोलेंगे आंसर प्लस माइनस 3। तो कुछ ये सब क्या है, ये रैशनल है, ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। तो सारे स्क्वायर रूट वाले नंबर इरैशनल हो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यूब रूट में भी, अगर क्यूब रूट ऑफ 27 है तो ये क्या होगा? 3 का क्यूब 27 होता है, बोलो 3 का पावर 3, और ये क्यूब रूट ऑफ 3 इज 3, ये 3 का मतलब 1/3 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आगे अभी बताऊंगा। तो इस तरह से 64 का क्यूब रूट क्या होगा? आपने पढ़ा होगा ये 8th क्लास में, ये होगा 4। तो ये सब क्या है, ऐसा नहीं है कि क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट होगा तो वो सारे इरेशनल होंगे। जिनका एग्जैक्ट वैल्यू निकल सकता है और रैशनल फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो वो रैशनल होगा। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है जहां क्यू जीरो नहीं है। ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है जहां क्यू जीरो नहीं है। इसलिए ये सब क्या है, रैशनल नंबर हैं। तो रैशनल नंबर वो हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके इवन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, या और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, है ना, और पी एंड क्यू क्या हो, इंटीजर, तो उसे हम रैशनल कहेंगे। या रैशनल वो होते हैं जो या तो टर्मिनेटिंग हो, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जब उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो या तो टर्मिनेट हो जाएं या रिपीट होना शुरू कर दे, तो हम उसे रैशनल नंबर कहेंगे। अदरवाइज जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो उसे हम कहेंगे इरेशनल नंबर। चलो एक दूसरा नंबर लेके देखते हैं, 1/6। अब 1/6 को आप डिवाइड करके देखिए, चाहे 10/6 ही लिख देते हैं, तो 10 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 6, ये आ गया, बचा 4। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल देंगे तो एक जीरो आ जाएगा यहाँ पे। अब 6 × 6 = 36, फिर बच गया 4, फिर जीरो आएगा अपने आप डेसिमल के बाद। अब फिर हमें जीरो रखने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो 6 फिर 4, 36 हो गया, फिर 4 आएगा। तो देख रहे हैं कि ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये हुआ 1.66, 6666 ऐसा आता रहेगा। इसको लिखने का तरीका होता है 6 पे बार लिख देते हैं या इस 6 पे ये देते हैं, इसको हम कहते हैं, इसका मतलब हुआ रिकरिंग। क्या कहते हैं इसको, इस बार को हम पढ़ते हैं रिकरिंग, रिकरिंग, ठीक है, यानी रीअकरिंग, रिकरिंग। तो रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया 10/6 का। या तो ऐसा लिख देते हैं, ये डॉट लगा देते हैं, या बार लिख देते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो कोई भी नंबर आप सोचेंगे और उसमें जैसे 17 है, इसमें हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं, देखो क्या आएगा, 17 6 × 12, बच गया 5, फिर डेसिमल देंगे तो 0 आ गया, 6 8 = 48, फिर बच गया 2, 0 आ गया, 6 2 = 12, 6 3 = 18, सॉरी 6 3 = 18, ठीक है, और फिर आ गया हमारा क्या 2, और फिर आ गया 0, फिर 6 3 = 18, तो देखो अब 3 रिपीट होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि कोई भी रैशनल नंबर जो होगा वो रिपीट होता रहेगा, वो रिपीट होता रहेगा अगर डेसिमल में, या तो वो खत्म हो जाएगा, अगर खत्म नहीं होगा तो रिपीट होता रहेगा। तो जो रिपीट होता रहेगा या टर्मिनेट हो जाएगा वो रैशनल है, और बाकी जो रिपीट भी ना हो, टर्मिनेट भी ना हो, कोई पैटर्न भी ना हो, इस तरीके का हो, तो उसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। अब सवाल ये है कि क्या इरेशनल नंबर को
हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, ये भी एक इरेशनल नंबर। ये भी एक इरेशनल नंबर है, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे रूट टू को कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हर एक डेसिमल का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, और रूट टू को हम कैसे लिखेंगे। तो थोड़ा सा और बताता हूँ, ध्यान से देखिए। यही सीखना है हमें कि रूट टू को हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाएंगे, कहाँ होगा रूट टू, ये जब फिक्स नहीं है, क्या उसकी पोजीशन फिक्स है? यस, उसकी पोजीशन फिक्स है। नंबर बेशक फिक्स नहीं है, डेसिमल में उसके नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन अगर नंबर लाइन की बात की जाए तो नंबर लाइन पे उसकी पोजीशन फिक्स होगी। कैसे पोजीशन फिक्स होगी बताते हैं, ध्यान से देखो। ये देखो, ये हमने बनाया एक नंबर लाइन, ठीक, और इस नंबर लाइन पे कैसे करोगे जरा ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो कैसे होगा। हम पहले बना दिए जीरो, यहाँ पे जीरो, और ये है वन, है ना, ये है टू, और ये है थ्री, इस तरह का, इधर की ओर, फिर माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, ऐसे, ये भी इधर की ओर बढ़ता रहेगा। अब ये यहां से यहां तक वन है, इतनी ही लेंथ का अगर हम वन और बना दें यहाँ पे, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा और अगर हम बना दें यहाँ पे, ये जितना बड़ा है, ठीक है, तो उतना ही बड़ा अगर और हम यहाँ पे बना दें, ठीक है, इतना ही बड़ा हमने वन बना दिया ये। अब ये है अगर वन, ध्यान से देखो, ये है वन, ये पूरा डिस्टेंस यहां से यहां तक वन है लेंथ, है ना, और ये भी है वन, ये भी हमने यहां से यहां तक वन लिया, ये राइट एंगल है। तो पैथागोरस थ्योरम से अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बताइए, क्या एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। पैथागोरस थ्योरम में ये वन है, ये भी वन है ना, तो ये वन है और ये भी वन है। पैथागोरस थ्योरम में राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, होता है ना। तो यहाँ पर अगर हाइपोटेनस लिखना हो ये स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट, अगर स्क्वायर हटा देंगे तो ये अंडर रूट होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच हाइपोटेनस। तो यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये हो जाएगा वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, सोचो, या ये अलग से थोड़ा लिख दूं, तो ये ओ है, ये मान लेते हैं ए, ये बी, ये सी, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये होगा अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर कितना होता है वन, और ये भी वन, तो वन प्लस वन कितना हो गया रूट टू। तो ये ए सी का जो डिस्टेंस होगा ये होगा रूट टू, ये डिस्टेंस रूट टू होगा, तो रूट टू यहां से यहां तक का डिस्टेंस हुआ, रूट टू क्या हुआ ए से सी, तो रूट टू कुछ नंबर हो सकता है, कोई कैलकुलेशन से वैल्यू आ सकती है, ये तो तय है ना कि रूट टू वैल्यू आ सकती है, रूट टू कोई नंबर हो सकता है। अब ये रूट टू को नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप एक आर्क अगर ले लो और इस आर्क का यहाँ पे रेडियस, इस रेडियस का अगर मैं कहूं कि हमने
अगर मैं मान लूं कि ये सेंटर है, ठीक है, और ये सेंटर पे है, ये सेंटर है और ये रेडियस मान करके ये अगर ऐसा हम मान लें और इस तरह का ये सेंटर मान लें के और ये रेडियस लेकर के, ये रेडियस हो गया, ये आर्क ड्रॉ करें तो ये रेडियस में कहीं भी ए से सी की जो डिस्टेंस होगी वही ए से डी की भी होगी, होगी कि नहीं, ये भी रेडियस होगा। अगर ये सेंटर है तो ये हर जगह पे रेडियस क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर हम ये ड्रॉ करें रेडियस, ये सर्कल एक ड्रॉ करें ये आर्क लेकर के और ऐसे एक सर्कल ए को सेंटर मान करके कैंपस से अगर हम एक सर्कल ड्रॉ कर दें तो इसको डी पे कट करेगा, तो एसी रूट टू था और ये एडी भी रूट टू ही होगा। कहीं पर भी हम रेडियस ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, रूट टू। तो एडी जो है वो है रूट टू, तो रूट टू नंबर लाइन पे ये हो गया, एडी इज इक्वल टू रूट टू, ठीक है। तो अब ये वन और टू के बीच में ये रूट टू आ गया, मतलब ओरिजिन से ये डी तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी रूट टू, दैट इज 1.142, लाइक दैट। तो ये नंबर लाइन पे हम किसी इरेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगली क्लास में कुछ और नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका हम सीखेंगे और आप तब तक इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और समझ लीजिए कि ये वन था, हमने वहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसमें से भी वन काट लिया और वहां से इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, रूट टू। ये वन लिया, वन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कैंपस से, परपेंडिकुलर समझते हैं ना, 90 डिग्री का एंगल, और एक लाइन में से वहां से भी वन कट कर लिया, उसके बाद ये ए और सी को मिला दिया, तो ज्योमेट्रिकली ये डिस्टेंस ए और सी का कितना हो गया, रूट टू। और इस रूट टू को, इसको ए को सेंटर मानते हुए और ए सी को रेडियस मानते हुए एक सर्कल खींच दिया जो इस नंबर लाइन को डी पे कट करता है, और डी पे कट करता है तो ये जो डिस्टेंस होगा ए सी और ए डी ये दोनों बराबर ही होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस, तो ए डी भी उतना ही होगा जितना ए सी होगा, और ए सी कितना था, रूट टू, तो ए डी भी क्या, रूट टू, और ये रूट टू को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट सकते हैं। तो इस तरीके से ये है इरेशनल नंबर, उनको भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट, बात हुई, ठीक है, समझ आया, खुश रहो, मस्त रहो और फिर अगली क्लास की प्रतीक्षा करो। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, अपने दोस्तों को भी बताओ, आधा ले रहे हो, ठीक है, सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी वीडियो विद इन टाइम।